एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएस मद से वेतन अपडेट सिवान, सीतामढ़ी, सहरसा, बांका, लखीसराय, अररिया, वैशाली और समस्तीपुर, किशनगंज, सारण, पूर्वी चंपारण। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि वेतन अपडेट आवंटन और शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सिवान जिला से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर राशि PNB में आता है, तो PNB से 1,27,00,00,000 राशि नहीं छोड़ा गया है SBI में, जिसके कारण से आज वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। कल इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि PNB से राशि SBI में ट्रांसफर कराकर 1 माह का भुगतान कराया जाएगा। वहीं सीतामढ़ी जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों को माह अप्रैल मई का विपत्र बैंक चला गया है। इसका भुगतान कल यानी शनिवार से लेकर सोमवार तक चालू हो जाएगा। वहीं जून माह का भी विपत्र जमा करने का सभी प्रखंड से आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द सभी प्रखंड के जमा करा दे जिला स्थापना कार्यालय में, ताकि जून का भी वेतन भुगतान ससमय हो सके। वहीं सहरसा जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद का राशि PNB से SBI में ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिसके वजह से वेतन विपत्र भी बैंक नहीं गया है। कल बैंक खुलते ही ट्रांसफर तथा वेतन विपत्र बैंक भेजकर भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। बांका जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से वेतन पाने वालों का वेतन पाने वाले शिक्षकों का भुगतान 5/7/2022 को होने की प्रबल संभावना है। इस जिला से विशेष जानकारी आपको कल दिया जाएगा। वहीं लखीसराय SS आवंटन लखीसराय जिला के SS खाते में आज प्राप्त हो गया है और यहाँ पर शनिवार से लेकर सोमवार तक 2 माह का अप्रैल और मई 2022 का वेतन भुगतान हो जाएगा और जून माह का 1-2 दिन विलंब हो सकता है, लेकिन अगले सप्ताह में ये भी 2 माह का भुगतान हो जाएगा। वहीं वैशाली जिला से मिली जानकारी के अनुसार आज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ऑफिस में नहीं थे, जिसके वजह से बैंक विपत्र पर वेतन विपत्र पर सिग्नेचर नहीं हो पाया है। कल अगर रहेंगे ऑफिस में तो इसका सिग्नेचर हो जाएगा और सोमवार तक मेल और वेतन विपत्र बैंक को भेज दिया जाएगा, इसका अगले सप्ताह में भुगतान होगा। अररिया जिला से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सोमवार को यहां से विपत्र सभी प्रखंड का जमा होगा, यानी अगले सप्ताह में अररिया जिला में भी भुगतान होगा। और समस्तीपुर वेतन भुगतान समस्तीपुर में 2 माह का हो गया, किशनगंज में भी हो गया, सारण और पूर्वी चंपारण में यहाँ पर आज वेतन भुगतान हो गया है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में आज तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वेतन अपडेट आवंटन और शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।